वहीं मंडी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियो बूथों पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। अभिभावकों ने अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक पिलाई ताकि देश की आने वाली पीढ़ी को पोलियो की बीमारी से बचाया जा सके। दो बूंद जिंदगी की। रविवार को प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत दूसरे चरण का अभियान चलाया गया। पोलियो बूथों पर देश के नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। माता पिता ने 0 से 5 साल तक के अपने बच्चों को पोलियो बूथों पर ले जाकर पोलियो की खुराक पिलाई और सभी अभिभावकों ने काफी उत्साह दिखाया। वहीं बच्चों के माता पिता ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई है और सभी अभिभावकों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि देश की आने वाली पीढ़ी को पोलियो से बचाया जा सके। मैं अपने बेटे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने आई हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर दें जिससे आने वाले बच्चे अगले वाली जनरेशन है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स मंजू ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार पोलियो बूथों पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है और इसके बाद उनकी टीम अगले 2 दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार को डोर टू डोर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे ताकि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। हमारा सेकंड सेशन पोलियो का स्टार्ट हुआ है आज, तो अब हमारा जो है 37 बच्चों को हमने दवाई पिला दी है और हमारा टारगेट जो रहता है वो 80 से 100 के करीब रहता है। आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश भर में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियो बूथों पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।